जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाने वाले हैं छेना खीर, या फिर आप कह सकते हैं कि छोटी रसमलाई, और इनको हम बनाएंगे बिल्कुल बिना मैदा यूज़ किए, तो आप इनको व्रत में भी खा सकते हैं। रसमलाई बनाते समय बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो छेना खीर मैंने बनाई है वो दिखने में कैसी है, क्योंकि दिखने में अच्छी होनी चाहिए ना। सबसे पहले तो हम आँखों से ही खाते हैं, है ना। तो दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है, बहुत खूबसूरत है कि देखते ही जी ललचा जाए खाने के लिए। ठीक है, अब चेक करते हैं इसकी सॉफ्टनेस। तो आप देख सकते हैं हल्का सा चम्मच से काटते ही रसमलाई पूरी कट जाती है, है ना, कितनी सॉफ्ट। और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितनी बढ़िया जाली अंदर बनी है। ये देखिए, अंदर तक दूध भरा हुआ है और बहुत ही अच्छी जाली रसगुल्ले के अंदर बनी है, है ना। और स्पॉन्जिनेस तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, दबाने से ये कैसे स्पॉन्ज की तरह दब रहे हैं और वापस फिर अपनी शेप ले लेते हैं। एक दो और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। एक एक रसगुल्ला ऐसा ही बना है, इतना ही सॉफ्ट, इतना ही स्पॉन्जी, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल ये है कि रसमलाई बनाने के लिए कौन सा दूध इस्तेमाल किया जाए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक गाय का दूध और दूसरा भैंस का दूध। तो छेना की कोई भी मिठाई बनाने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं गाय का दूध, क्योंकि गाय के दूध के अंदर फैट बहुत कम होता है और भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है। तो जब आप मिठाई बनाते हैं, एक घी की लेयर, एक घी की परत आपको ऊपर ही दिखाई देने लगती है, ऐसा होता है भैंस के दूध में। तो इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 लीटर गाय का दूध। मलाई बनाने के लिए इस तरीके के चौड़े बर्तन में हमें लेना है, क्योंकि इसको हमें पकाना है और पका पका करके रिड्यूस करना है। तो आप ऐसा चौड़ा बर्तन लीजिए। तो ये मैंने लिया है 1 लीटर गाय का दूध, तो इसको हम रख देते हैं एक साइड में। और ये है 1 लीटर गाय का दूध जिससे हम बनाएंगे छेना। दूसरा सवाल ये है कि दूध को फाड़ने के लिए हम कौन सी खटास का इस्तेमाल करें। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि विनेगर, नींबू, तो हम कौन सी खटाई यूज़ करें दूध को फाड़ने के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि घर का जमा दही इस तरीके से पानी छोड़ देता है कई बार, तो मैं ये पानी को अलग कर ले रही हूँ और ये मैंने 1 कप पानी दही में से निकाल लिया है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास यही है छेना बनाने के लिए, तो इसको अभी साइड में रखते हैं और दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो ये है विनेगर, वाइट वाला। हम लेंगे 1.5 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच ये लिया मैंने और 1/2 चम्मच और, इसमें हम मिला लेंगे 2 चम्मच पानी। तो ये डाइल्यूट विनेगर का सोल्यूशन हमारा दूसरा ऑप्शन है छेना बनाने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है लेमन, यानी कि नींबू। तो नींबू को निचोड़ करके हम उसका ऐसे रस निकाल लेंगे और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हम नींबू को निचोड़ेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं निचोड़ना है। कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये हमने नींबू को निचोड़ लिया और इसको भी हम कर लेंगे डाइल्यूट, यानी कि अगर आपने आधे नींबू का रस लिया है तो उसमें हमें 1 चम्मच पानी मिलाना है उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, दही का पानी, विनेगर और नींबू का रस। इन तीनों में से हमें क्या चुनना है, इसका जवाब जानने के लिए पहले अगले सवाल का जवाब जानते हैं। तीसरा सवाल ये है कि छेना हमारा कभी कभी खट्टा क्यों हो जाता है, तो उस खटास को हम कैसे दूर कर सकते हैं, या फिर हम उसको खट्टा होने से कैसे बचा सकते हैं। अगर हम नींबू को ऐसे ज़ोर ज़ोर से दबा करके उसका रस निकालेंगे कि रस निकलने के साथ साथ छिलके की कड़वाहट भी रस में आ जाए और कुछ एक रेशे भी निकल कर आ जाते हैं, और फिर हम इस रस का इस्तेमाल छेना बनाने के लिए करते हैं, तो उस केस में हमारा छेना जो है वो खट्टा हो सकता है। तो अगर आप अपने छेने को खट्टा होने से बचाना चाहते हैं तो नींबू के रस का इस्तेमाल ना करें। तो इन 3 ऑप्शन में से मैं दही का पानी सेलेक्ट करूंगी छेना बनाने के लिए, क्योंकि दही का पानी एकदम ऑर्गेनिक है, घर में बना हुआ है, कोई भी सिंथेटिक चीज़ इसके अंदर नहीं है। छेना खट्टा होने के चांस तो इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। अगर दही का पानी नहीं है तो मैं चूज़ करूंगी विनेगर, क्योंकि ये क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है और छेना इससे ठीक बनता है। और नींबू मैं यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे छेना खट्टा हो जाता है और पीला भी पड़ सकता है। इन दोनों ऑप्शंस में से मैं दही का पानी सेलेक्ट करूंगी और उसको भी मैं छान करके इस्तेमाल करूंगी। तो ये मैंने छान लिया है दही का पानी। चौथा सवाल ये है कि छेना को सॉफ्ट और स्पॉन्जी कैसे बनाएं। तो छेना बनाने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी है। एक चौड़े मुँह का बर्तन रेडी रखना है, उसके ऊपर एक छलनी, एक सूती कपड़ा और लगभग 1 से 1.5 लीटर ठंडा पानी,
और एक और चौड़े मुँह का बर्तन हमें रेडी रखना है, क्योंकि छेना बनाने के बाद का सारा प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करना है बिना वक्त गवाए। तो इधर हमारा दूध उबल चुका है, और दूध उबलते ही हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें फ्लेम को एकदम सिम कर देना है, एकदम धीमी आँच कर देनी है। और उसके बाद हमने जो दही का पानी तैयार करके रखा था उसको हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। याद रखिए सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, उससे भी छेना हार्ड हो जाता है। तो सॉफ्ट छेना अगर आप बनाना चाहते हैं तो फ्लेम को एकदम सिम रखिए, और दही का पानी या विनेगर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके डालिए। तो आप देख सकते हैं कि छेना दूध से अलग हो चुका है। तो अब हम तुरंत फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने से टेम्परेचर जो है छेने का वो एकदम डाउन आएगा और उससे छेना हार्ड होने से बचेगा। एक्चुअली दूध के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन हाई टेम्परेचर पर हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको हार्ड होने से बचाएंगे ठंडा पानी डाल करके। फिर जो हमने पहले से कॉटन का कपड़ा तैयार करके रखा था उसके ऊपर डाल करके छेने को हम छान लेंगे, ठीक है। और फिर छेने को इस तरीके से दूसरे बर्तन के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। छेना अभी भी गर्म है तो उसको अभी हम और ठंडा करेंगे और इस तरीके से कलछी से मिला सकते हैं। अब छेना छूने लायक हो गया है, लेकिन अभी हमें कंटिन्यूसली इसको ठंडे पानी से धोना है कम से कम 2-3 बार। इससे एक तो छेने के अंदर सॉफ्टनेस बढ़ेगी, और दूसरा अगर थोड़ी बहुत खटास इसमें होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो छेने को ठंडे पानी से धोइए कम से कम 2-3 बार, और एकदम हल्के हल्के हाथों से, जोर जोर से दबाकर नहीं धोना है। पांचवा सवाल है कि रसगुल्लों में जाली कैसे बनती है। रसगुल्लों में बनने वाली जाली डिपेंड करती है इस प्रोसेस पर, जब हम छेने से पानी को अलग करते हैं। तो हमें छेने से पानी को देखिए ऐसे अलग करना है। आप हल्के हल्के हाथों से कपड़े को दबाइए और आप देख सकते हैं कि पानी धार बन के नीचे टपक रहा है। तो जब तक ये धार बन के टपकता रहे आप हाथ से दबाते रहिए, और जैसे ही पानी बूंद बूंद करके टपकने लगे, ये देखिए अब पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, धार बननी बंद हो गई है। आप छेने को ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसके ऊपर कोई हल्का वजन रख दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर चकला रख रही हूँ, तो लगभग 8 से 10 मिनट के लिए ही हमें वज़न छेने के ऊपर रखना है, जिससे कि सारा पानी अलग नहीं होगा और छेना मॉइस्ट बनेगा। एकदम ड्राई छेना हमें नहीं बनाना है। छठा सवाल है कि चाशनी को कितने तार की बनाना है, 1 तार की, 2 तार की, कितने तार की। तो चाशनी बनाने के लिए आप इस तरीके के एक चौड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिए, जो चौड़ा भी हो और गहरा भी हो। ये देखिए कम से कम इतना गहरा बर्तन होना चाहिए। और इसके लिए हम लेंगे 1 कप चीनी, और चीनी जो आप ले रहे हैं वो एकदम साफ़ और सफ़ेद होनी चाहिए, नहीं तो चीनी का पीलापन रसगुल्लों में आ जाएगा। और इसमें मिलाइए 3 कप पानी, अभी मैं 3 कप डाल रही हूँ, 1, 2 और ये 3रा कप मैंने अब डाल दिया। तो अभी हम चाशनी को गैस पे नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमें रसगुल्ले बनाने हैं और उसमें हमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए हमें काफ़ी पतली चाशनी चाहिए होती है। तो पहले हम अपने छेने की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद चाशनी बनाएंगे। 7वां सवाल ये है कि छेना को हमें कितनी देर तक मसलना है। तो आप देख सकते हैं कि छेना हमारा एकदम रेडी है और बहुत सॉफ्ट छेना बना है। तो हमें छेने को बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मसलना है, और इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसलने में और एकदम चिकना करने में 3 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली होता क्या है, कई बार हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल करके भी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। तो बहुत हल्के हाथों से एकदम आराम से मसलिए इस तरीके से, ज़्यादा ज़ोर बिल्कुल मत लगाइए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, और उसको दबाइए भी मत, ठीक है। और फिर ऐसे घुमा घुमा करके हम इसका एक गोला रेडी करके देख लेंगे। अगर आप ऐसे गोला बना पा रहे हैं छेने से, इसका मतलब आपका छेना एकदम ठीक बना है। और अगर आपका जो छेना है वो थाली पर बार बार चिपक रहा है, अलग नहीं हो रहा है, ऐसे गोले की शेप नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब छेना बनाने में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हुई है, ठीक है। तो छेने को ऐसे हल्के हल्के हाथों से घुमा घुमा करके एक गोले जैसा तैयार कर लीजिए। तो छेना हमारा रसगुल्ले बनाने के लिए एकदम रेडी है। अब हम इसमें से एक बहुत छोटा सा पोर्शन तोड़ेंगे और इस तरीके से अपनी हथेली पर रख कर हल्के हल्के हाथों से गोल घुमाएंगे। तो आप ऐसे घुमाइए और गिनिए 15 तक,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। जब तक 15 आप गिनेंगे आपका रसगुल्ला तैयार हो जाएगा। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि आपको रसगुल्ले को कितनी बार घुमाना है, ठीक है। और देखिए ध्यान से, रसगुल्ले में एक भी क्रैक नहीं है, है ना, एकदम स्मूथ एकदम चिकना रसगुल्ला बना है। तो हमें ऐसे ही रसगुल्ले बना करके रेडी करने हैं, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस, इसमें आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो सारे रसगुल्ले हम ऐसे ही रेडी करेंगे, ये देखिए एकदम स्मूथ रसगुल्ले हमें बनाने हैं। आठवां सवाल है कि रसगुल्ले उबालते समय फट क्यों जाते हैं? तो मान लीजिए अगर आपने छेने को थोड़ा सा ऐसे हाथ पर लिया, एक दो बार ऐसे मसला और इस स्टेज पर छोड़ दिया, जबकि रसगुल्ला स्मूथ नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें क्रैक्स हैं, तो ऐसे रसगुल्ले भी चाशनी में डालने के बाद फट जाते हैं। तो ये पहला कारण है रसगुल्ले फटने का। दूसरा कारण क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो हम सारे रसगुल्ले इसी तरीके से चिकने बनाएंगे और सारे रसगुल्ले ऐसे ही रेडी करेंगे, और इतने छेने में से लगभग 45 यानी कि 45 रसगुल्ले बने हैं। अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ और उसमें उबाल आने देते हैं। नौवां सवाल है कि रसगुल्ले पीले क्यों पड़ जाते हैं? तो सबसे पहले तो चाशनी का कलर देखिए, कोई कलर चाशनी में नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, आपको बर्तन की सतह एकदम साफ दिखाई दे रही है ना। तो अगर हमारी चीनी साफ होगी और चाशनी एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट बनेगी तो रसगुल्ले पीले नहीं पड़ेंगे। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर पानी कम लग रहा था चाशनी में, तो मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है, मतलब अब टोटल 3.5 कप पानी चाशनी में हो चुका है। अब जानते हैं रसगुल्ले फटने का दूसरा कारण। तो अगर आपकी चाशनी में उबाल ठीक से नहीं आया है, मतलब चाशनी का टेम्परेचर कम है और आपने उसमें रसगुल्ले डाल दिए, उस केस में भी रसगुल्ले फट सकते हैं, ठीक है। तो चाशनी में अच्छे तरीके से उबाल आने दीजिए, खूब उबलने दीजिए चाशनी को, लेकिन गाढ़ा नहीं करना है तो ढक कर के उबालिए, ठीक है। तो अब आप देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है और हमें इतनी पतली चाशनी रखनी है। लेकिन मैं पहले 2 रसगुल्ले डाल करके चेक करूँगी कि छेना ठीक बना है कि नहीं। तो मैंने थोड़ी चाशनी अलग कर ली और मैं इसमें अब सिर्फ 2 रसगुल्ले डालूँगी, ठीक है। तो आप पहली बार बना रहे हैं तो आप ऐसे ही चेक करिए, सारे रसगुल्ले अगर आपने एक साथ डाले और कोई गड़बड़ हुई तो सारे रसगुल्ले फट जाएंगे और सारी चाशनी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो 2 रसगुल्ले से चेक कर लेते हैं, ये देखिए रसगुल्ले उबलने शुरू हो गए हैं लेकिन फट नहीं रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो छेना है वो ठीक है और चाशनी भी ठीक से उबल रही है। तो ये जो हमारी मेन चाशनी है ज़्यादा वाली, इसमें अब हम रसगुल्ले डाल देते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप एक एक करके रसगुल्ले को डालिए, ठीक है। चाशनी में उबाल लगातार आता रहना चाहिए, मतलब अगर आपको लग रहा है कि उबाल अब कम हो गया, धीमा पड़ गया है, तो आप रुक जाइए 10 सेकेंड के लिए और फिर से जब उबलने लगे तो आप रसगुल्ला डालिए। और सारे रसगुल्ले मैंने डाल दिए हैं, अब हमें इन्हें ढक कर के पकाना है, ठीक है। 10वां सवाल है कि रसगुल्लों को हमें कितनी देर तक उबालना है? तो रसगुल्लों को हमें हाई फ्लेम पर पूरे 10 मिनट के लिए उबालना है। आप घड़ी देख लीजिए और घड़ी देखकर 10 मिनट के लिए उबालिए। तो 5 मिनट बाद आप पूरे बर्तन को हिलाकर रसगुल्लों को एक बार घुमा सकते हैं, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चम्मच या कलछी मत लगाइएगा। अब 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं रसगुल्ले पके हैं कि नहीं। ये देखिए एक रसगुल्ला मैं ऐसे निकाल रही हूँ और हम इसको ठंडे पानी की कटोरी में डाल लेंगे। ऐसे पानी में डाल लिया, रसगुल्ला तुरंत नीचे बैठ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब आपके रसगुल्ले पक करके तैयार हैं, फ्लेम को बंद कर दीजिए। 11वां सवाल ये है कि दूध को हमें कितना गाढ़ा करना है? तो ये 1 लीटर दूध मैंने चढ़ाया हुआ था मलाई बनाने के लिए, और इसको हमें उतना ही गाढ़ा करना है कि ये 1 लीटर का 600 ml रह जाए, यानी कि 40% पानी इसमें से उड़ जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, जैसा कि हम मावा निकालते वक्त करते हैं या कुल्फ़ी या फिर आइसक्रीम बनाते वक्त करते हैं, उतना गाढ़ा नहीं करना है, ठीक है। तो इसको भी हमें पतला ही रखना है, नहीं तो रसगुल्लों के अंदर दूध नहीं भरेगा अगर आपने ज़्यादा गाढ़ा कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमें सिर्फ इतना गाढ़ा करना है, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप चीनी, और ये कुछ एक मैंने केसर के धागे भिगोकर रखे थे, उसको भी हम मलाई में डाल देते हैं, और कुछ केसर मैंने रोक ली हैं गार्निशिंग के लिए। ये है 3 इलायची का पाउडर, वो भी मैं दूध में डाल रही हूँ, और मेवे आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ काजू, पिस्ते और बादाम, सबको मैंने भिगो करके बारीक काट लिया है।
तो सारे मेवे मैं नहीं डाल रही हूँ, कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रोक रही हूँ जो बाद में डालूंगी। 12वां सवाल ये है कि रसगुल्लों को रबड़ी में कब डालना है, मतलब बिल्कुल ठंडा होने पर डालना है या गरम गरम में डालना है, कब डालना है? तो इसका जवाब ये है कि जब रबड़ी और रसगुल्ले दोनों इतने गर्म हों कि आप उनको आराम से छू सकें, ये देखिए ये रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है, इनको ठंडा होने में लगभग 1 घंटा लगा, उस समय आप रबड़ी में रसगुल्लों को डालिए। तो मैंने रबड़ी को इस तरीके से एक गहरे बोल में निकाल लिया है और अब हम इसमें रसगुल्लों को थोड़ा सावधानी से डाल देंगे। तो इसके लिए आप चम्मच की सहायता ले सकते हैं। बेस्ट टेस्ट के लिए आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखिए और उसके बाद आप इनको सर्व कीजिए। तो देखिए सबको ये रसगुल्ले बहुत पसंद आएंगे। तो हमारी छैना खीर या अंगूरी रबड़ी या छोटी रसमलाई बनकर के एकदम तैयार है और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाई होंगी और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये नवरात्रे और आने वाले त्यौहार आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी बहुत सारी डिशेस जो आप फेस्टिवल्स पर बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।